नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश कुछ खास कुछ नया, सिर्फ आपके लिए हर बार कुछ नया। आज हम आपके लिए लाए हैं बंधेज एप्रन। तो आज आपको बंधेज बनाना बताएंगे। एप्रन के लिए सामग्री है 1.5 मीटर काटन का कपड़ा, कलर फिटकरी लेंगे 50 ग्राम, बाद में लगेगा नमक थोड़ा सा। इसका कलर जहाँ होली का सामान बिकता है वहाँ पे मिल जाएगा। धागा बांधने के लिए और हमने बीच में बांधने के लिए गोल मीठा नीम का फल लिए हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े में प्रिंट, बंधेज प्रिंट बनाने के लिए कलर बनाएंगे। देखिए, हम आपको एक ही वीडियो में दो चीज बता रहे हैं। एक तो बांधनी प्रिंट बनाना बताएंगे और दूसरा इसी कॉटन के कपड़े से एप्रन बनाना भी बताएंगे। देखिए, उसके लिए पहले यह फल लिए हैं। कितना हमको चाहिए साइज, फल्ली दाना या काबुली चना भी आप रख सकते हैं। आप काबुली चना, फल्ली दाना या कंचे भी रख सकते हैं। जिस साइज का आपको प्रिंट बनाना है वैसा छोटा बड़ा रख सकते हैं। देखिए, कपड़ा जैसे अभी ये 4 तम में है, इसको और फोल्ड कर लिए। जैसा कि एप्रन बना रहे हैं तो 1 मीटर अलग काट लिए हैं, आधा मीटर कपड़ा अलग कर लिए हैं पॉकेट के लिए। इसको 4 फोल्ड हुआ है, अब इसको जितना चाहे फोल्ड कर सकते हैं। और यह फल देखिए बीचों बीच रखेंगे और इस प्रकार इसको बहुत ही टाइट बांधना है। जितना टाइट बांधेंगे उतना ही अच्छा प्रिंट उभर कर आएगा। बहुत ही इसको टाइट बांधना है। इसका बांधना ही असली है, इसीलिए इसे खूब टाइट बांधेंगे। देखिए, यह कपड़े वाला कलर है, एक लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है। यदि दो कलर में बांधनी प्रिंट बनाना है तो पहले लाइट कलर से बनाते हैं, उसके सूखने के बाद दोबारा उसमें फिर डार्क कलर से, यदि दो कलर से आप लोग बनाए तो। देखिए, यह बहुत ही टाइट इसको बांध करके इसे तैयार कर ली है। अब यह गरम पानी है, गरम पानी आप 1 लीटर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1.25 लीटर। यह पानी 1.25 लीटर है। अब इसमें 1 चम्मच कलर डालेंगे। देखिए, इसमें 1 चम्मच कलर डालेंगे। देखिए, यह कलर बन चुका है। जब भी आप कलर बनाए, रसोई के बर्तन में नहीं बनाना है। जिस बर्तन को रसोई में इस्तेमाल नहीं करते हैं उसी में बनाना। अब यह कपड़ा बांध चुके हैं, इस कलर में डुबाएंगे। फिरोजी कलर आएगा इसमें और इसे डुबा कर, ये देखिए डुबा दिए हैं। इसे अब रात भर के लिए इसमें छोड़ देंगे, या चाहे तो 4 घंटे बाद निकाल भी सकते हैं। कलर में डुबा के छोड़ देंगे। देखिए, यह जो कपड़ा 1 रात के लिए कलर में डुबाए थे उसके बाद निकाल करके इसको सुखाए हैं। सूखने के बाद इस प्रकार इसका धागा काटेंगे। बहुत ही इसको धागा को टाइट बांधे थे। देखिए, इसको काटेंगे। यह इसको खोल निकालने के बाद हमारा प्रिंट बन चुका रहेगा। इसे फिर ठंडे पानी में 1 चम्मच नमक
और एक चम्मच फिटकरी डाल करके अच्छी तरह धो लेंगे और धो करके फिर इसको सुखाएंगे। सूखने के बाद इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ही इसके ऊपर एप्रन की कटिंग करेंगे। अभी देखिए इसको एक रात डुबाए फिर सुखाए। सूखने के बाद इसको धागा काट के निकालेंगे और फिर इसको ठंडे पानी में अच्छी तरह से नमक और फिटकरी डाल करके धो लेंगे। देखिए ऐसा बनना है ये हमारा बांधनी पेंट, इस प्रकार बन करके। अब इसके ऊपर सिर्फ प्रेस करने का बचा, प्रेस करेंगे फिर एप्रन की कटिंग करेंगे। देखिए इसको डिफरेंस साइज में बांध करके अलग अलग प्रकार का प्रिंट भी बना सकते हैं। यह बांधनी प्रिंट मैंने अपनी बेटी से सीखा है, तो आप सब सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इस एप्रन वाले कपड़े में बंधेज प्रिंट बन चुका है। अब इसकी एप्रन के लिए कटिंग करेंगे। कटिंग यह एप्रन मीडियम साइज का बना रहे हैं, तो मीडियम साइज बनाने के लिए लंबाई लिए हैं 35 इंच लंबाई में है। देखिए 35 आ रहा है लंबाई 35 इंच। कपड़ा सिर्फ दो तह में रखना है, देखिए एक तह ऊपर एक नीचे दो तह में। चौड़ाई इसकी लेंगे 12, ये देखिए 12 चौड़ाई आ रही है, 12 चौड़ाई। और कंधे की चौड़ाई लिए हैं 5 इंच, कंधे की चौड़ाई 5 इंच और कंधा उतार जो लिए हैं ऊपर से नीचे तक ये 10 इंच है। 5 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद कंधा उतार 10 इंच और उसे गोलाई में आकार देंगे। गोलाई में आकार दे दिए, एकदम सिंपल ड्राइंग है और कटिंग भी एकदम सिंपल है। एप्रन की कटिंग ड्राइंग सिलाई सभी कुछ सरल है। देखिए बस इसकी कटिंग करेंगे ऐसे और वहां से निकाल लेंगे सीधा। ये देखिए एप्रन में इस कलर का पाइपिंग लगाएंगे, चारों तरफ पाइपिंग की सिलाई करनी। ये 1 इंच चौड़ी है, लंबाई जितना लगे। पूरे एप्रन में इस कलर की पाइपिंग लगाएंगे। देखिए पॉकेट की सिलाई कपड़े का दोनों तरफ से बीचों बीच इसको रखे हैं और पॉकेट वाले कपड़े में लेस लगा दिए हैं और पॉकेट की सिलाई थोड़ा सा ऐसे करना है ताकि बीच में ऐसे जगह बन सके। इधर से भी थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बीच में होल आ जाए और पॉकेट की सिलाई बीचों बीच कर देना। और इसमें अब बेल्ट लगाएंगे। एक बेल्ट यहाँ लगेगा जो गले के पीछे रहेगा और एक बेल्ट इसके जहाँ से गोलाई कट है वहाँ से एक बेल्ट यहाँ से लगाएंगे।
देखिए पॉकेट की सिलाई हो गई है, ये हमारा पॉकेट बन गया है। बस अब दो जगह बेल्ट लगाना है, बेल्ट इस कलर में लगाएंगे। देखिए यह बन गया जेब रम, मीडियम साइज का है। इसकी जेब की लंबाई 8 इंच और चौड़ाई 9 इंच रखे हैं। इसे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बनाइए टाई एंड डाई वाली एप्रन। इसमें मेन चीज है टाई एंड डाई। टाई माने बांधना और डाई माने रंगना। कपड़े को मनचाहा डिजाइन में बांधना और अपने मनपसंद कलर में रंगना। कलर को अच्छे से मिलाना है और बांधना टाइट है, यही इसका मेन चीज है। तो हमारा यह टाई एंड डाई एप्रन बन चुका है। देखिए हमने एक एप्रन का डेमो भी बनाए हैं। यह डेमो वाली एप्रन है। यहाँ बंधेज एप्रन आप बनाइए। और हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।